दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन में दो डबल व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक ही मोबाइल फ़ोन में दो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी के साथ में, बिना किसी एप्लीकेशन के, सिर्फ कुछ सेटिंग्स आपको करनी है अपने फ़ोन में, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में ये वाला व्हाट्सएप है, ठीक है, जो एक व्हाट्सएप सभी के फ़ोन में होता है, ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर तो उसको जो आपका ऑनलाइन आपको वो देख सकता है सामने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आपने बात नहीं करनी है, जिस व्यक्ति को आपसे मतलब आपको उससे बात नहीं करनी है, तो वो आपको वहाँ पर ऑनलाइन देख लेगा, या फिर आपका लास्ट जो सीन है वो भी देख सकता है, और फिर वो पता लगा लेगा कि आप ऑनलाइन हो लेकिन मेरे से बात नहीं कर रहे हो। कभी आपको रात में भी बात करनी पड़ती है कई बार, और अगर आप ये वाली ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये वाला व्हाट्सएप खोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आपका जो दूसरा व्हाट्सएप होगा उससे ही बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो डालें आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मुकेश। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए ऐप्स का एक ऑप्शन मिलता है, ये सभी फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे ऊपर होता है ऐप मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर ऐप लिस्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको आ जाना है यहाँ पर ऐप क्लोनर पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप क्लोनर, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि सारे फ़ोन की सेटिंग्स थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको ड्यूअल ऐप्स भी लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है, ड्यूअल ऐप्स, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऐप क्लोनर है, इसकी जगह ड्यूअल ऐप्स भी मिल सकता है, तो अभी मैं यहाँ पर ड्यूअल ऐप क्लोनर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके बाद में देखिए जितने भी यहाँ पर आपके ऐप दिखा रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ वही ऐप शो होंगे जिनका कि आप डबल कर सकते हैं, ठीक है, ये जितने भी ऐप यहाँ पर हैं आप सभी को डबल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अभी हमें यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सअप को ही डबल करना है, आप चाहें तो यहाँ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब जो भी है, मैसेंजर वगैरह जो भी है यहाँ से डबल कर सकते हैं, तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप को ही डबल करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से व्हाट्सएप को एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्रिएट ऐप क्लोनर, ठीक है, आपको यहाँ पर इसको ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे, उसके बाद में कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ से चले जाना है बैक, ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ से बैक चले जाना है। अब दोस्तों, ये यहाँ पर आपके दो व्हाट्सअप हो जाएंगे, देखिए अभी यहाँ पर सिंगल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा अंदर होम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक व्हाट्सअप तो आपको यह है, दूसरा जो व्हाट्सअप है वो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक ये व्हाट्सअप आ गया है आपका, और एक ये व्हाट्सअप, यहाँ पर दोनों व्हाट्सअप आ चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, पहले तो मैं आपको ये वाला व्हाट्सअप अपना खोल करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरा नॉर्मली व्हाट्सअप है जो सभी के फ़ोन में होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ, ये वाला जो दोस्तों मेरा व्हाट्सअप है, ये अभी मैंने आपके सामने ही डबल किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको अपना जो फ़ोन में दूसरा नंबर होता है उस नंबर को डालकर यहाँ से जो आपके फ़ोन में, क्योंकि दो नंबर आजकल हर एक व्यक्ति के फ़ोन में होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ से जो दूसरा नंबर है आपका, उसको यहाँ से डाल लीजिए आप नंबर को, और ये जो व्हाट्सअप है बहुत ही आसानी से आपका क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में दो व्हाट्सअप चला सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।